Dear students, class 6, science, chapter 2, components of food. We shall start with keywords, balanced diet. एक ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें रफेज भी होगा और वाटर भी होगा, इस प्रकार के आहार को हम कहते हैं संतुलित आहार. बेरीबेरी अ डिसीज, एक ऐसी बीमारी जो कि विटामिन B1 की कमी के कारण होती है. कार्बोहाइड्रेट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा एनर्जी देते हैं. एनर्जी क्या होता है? शरीर की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है काम को करने की, उसी को हम एनर्जी कहते हैं. एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. फैट्स क्या होता है? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं उसको हम फैट्स कहते हैं. मिनरल्स ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है ग्रोथ के लिए, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि लिविंग थिंग्स को जीने के लिए भी चाहिए और ग्रोथ के लिए भी चाहिए, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ऐसे मिनरल्स हैं जिसके की आवश्यकता होती है लिविंग बींग को ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, शरीर के रख रखाव के लिए और विकास के लिए. स्कर्वी एक डेफिशिएंसी डिसीज़ है, ये विटामिन सी की कमी के कारण होती हैं. स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्रकृति में पाया जाता है और ये जो राइस है, वीट है, पोटैटो है, इसमें स्टार्च होता है. विटामिन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जिसकी शरीर को आवश्यकता होती हैं डेवलपमेंट के लिए और शरीर के प्रॉपरली कामकाज करने के लिए, पूरे बॉडी ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, के और विटामिन बी के भी काफ़ी सारे प्रकार होते हैं. रफेज एक ऐसे फाइबर्स हैं, डाइट्री फाइबर्स हैं जो डाइट में होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. और रफेज हमें मिलता है फ्रेश फ्रूट्स में, लीफी वेजिटेबल्स में. नाउ एक्सरसाइज पार्ट, 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. एक्सरसाइज 2, नेम द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स जो शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, वो होते हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ग्रोथ के लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए या मेंटेनेंस, बॉडी के रख रखाव के लिए चाहिए, वो है प्रोटीन्स और मिनरल्स. विटामिन्स जो कि हमारे आईट साइट के लिए चाहिए, अच्छी आंखों की रोशनी के लिए चाहिए, वो है विटामिन ए. ऐसे मिनरल्स जो हमको हड्डियों की स्वास्थ्य के लिए चाहिए, मजबूत हड्डियों के लिए चाहिए, तो वो है कैल्शियम. नेम 2 फूड्स रिच इन फैट्स, तो बटर और घी और ऑयल, इनमें बहुत सारा फैट्स होता है. पोटैटो, राइस, इनमें बहुत सारा स्टार्च पाया जाता है. ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं. एग्स और पल्सेस अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, और सबसे बेस्ट सोर्स है सोयाबीन. हमें ये बताना है कि इन सेंटेंसेस में ट्रू कौन है, फॉल्स कौन है. अगर हम केवल चावल खाते हैं तो हमारे जो बदन है उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सो दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है. डेफिशिएंसी डिसीजेस को रोका जा सकता है अगर हम बैलेंस डाइट खाएं, दिस इज़ करेक्ट. बैलेंस डाइट जो है उसमें एक ही प्रकार के, काफ़ी सारे प्रकार के फूड आइटम्स होते हैं, तो ये बात सही है क्योंकि बैलेंस डाइट में डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है. मीट सफिशियंट है इंसान के शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, तो ये बात गलत है, मीट में सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. फिल इन द ब्लैंक्स, रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन डी के कमी के कारण होता है. डेफिशिएंसी विटामिन B1 की अगर हमारे शरीर में हो तो बेरीबेरी नामक बीमारी होती है. बेरीबेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है. और अगर हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो तो स्कर्वी डिसीज़ होती हैं. और नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिसीज़ है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है. सो हमें वो खाना लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए हो, तो आपकी जो आँखों की रोशनी है वो सदा अच्छी रहेगी. सो आई होप दिस वीडियो इज़ लाइक बाई यू ऑल. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.